नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 2020 के आखिरी 26 घंटे बचे हैं और आज कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आई। ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका का वो वैक्सीन जिसकी तरफ भारत देख रहा है, जिस वैक्सीन में भारत के करोड़ों लोगों को कोरोना से मुक्ति पाने की संभावनाएं दिख रही हैं, उस वैक्सीन को ब्रिटेन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। भारत की एक्सपर्ट कमेटी भी इस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने पर विचार कर रही है। आज हम आपको इस वैक्सीन से जुड़ी भारत की उम्मीदों के बारे में बताएंगे। ऑक्सफर्ड वाले वैक्सीन का भारत वाला प्लान हम आपके सामने रखेंगे। वैक्सीन लगवाने से पहले भारत के हर नागरिक को इस विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए आज तक लगातार आपको खबरदार कर रहा है। वैसे नए रूप रंग वाला कोरोना वायरस भारत के छोटे शहरों तक पहुंच चुका है। ये बहुत सारे केस तो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे हैं। नया कोरोना 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, इसीलिए चिंताएं और बढ़ गई है। नए साल की पार्टियों और जश्न को लेकर भी गाइडलाइंस आ गई हैं ताकि संक्रमण कम हो। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऑक्सफर्ड सहित अलग अलग वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कारगर होंगी। WHO भी कह रहा है कि वायरस खुद को कितना भी बदल ले, सिर्फ 6 हफ्ते में वैक्सीन में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे देश के दुश्मनों को 2020 की लास्ट वार्निंग दी है। आज राजनाथ सिंह की बातों में और सेना के एक्शन में वीर रस की मात्रा ज्यादा थी। सुरक्षा बलों ने जहन्नुम में 3 आतंकियों की एडवांस बुकिंग कर दी और राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को हिंदी में समझा दिया कि भारत को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। 2020 के इस धमाकेदार ईयर एंड का विश्लेषण करना भी आज जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच आज 5 घंटे की बातचीत में अधूरा समाधान निकला, लेकिन निकला सही। किसानों की 4 में से 2 मांगों पर रजामंदी बन गई है। सरकार पराली और बिजली के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार है, यानी 2020 में आधा समाधान निकल गया। अब बाकी की बातें 2021 में होंगी। 4 जनवरी को अगली बैठक की तारीख निकली। साल जाते जाते बहुत अच्छी खबर आई। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिल गया। भारत को भी इस बड़ी खबर का इंतजार था। यहां पर भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में अब देर नहीं लगेगी। आज इसी पर एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बारे में आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को अप्रूवल मिलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्यों यही वैक्सीन भारत के लिए अहम है, क्यों इस वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई का गेम चेंजर माना जाता है। कोरोना की यह वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है। आज वहां की सरकार ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इससे पहले ब्रिटेन ने सबसे पहले अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन में 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें हर दिन औसतन 50,000 लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। पिछले हफ्ते तक वहां करीब 6 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। अब ब्रिटेन ने ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के 10 करोड़ डोजेज का ऑर्डर किया है और 4 जनवरी से ब्रिटेन में इसके भी टीके लगने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन गेम चेंजर क्यों है, क्यों इसका अप्रूवल दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, इसे भी समझते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया में जो भी लो और मिडिल इनकम वाले देश हैं, यानी जिनकी आय कम है, जो देश बहुत अमीर नहीं है, जिनकी कमर वैसे ही कोरोना से लड़ाई में टूट चुकी है, उन सभी की सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है। इस वैक्सीन के करीब 100 करोड़ डोज की सप्लाई कम आय वाले देशों में होनी है। साल भर में इस वैक्सीन के 300 करोड़ डोजेस की इंटरनेशनल सप्लाई होगी। ये वैक्सीन 2 बातों में बाकी वैक्सीन से अलग है। पहली बड़ी बात, इस वैक्सीन की कीमत कम है। इसका एक डोज अनुमानित तौर पर $3 से कम कीमत का है, जबकि अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कम से कम 6 गुना ज्यादा कीमत वसूल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, इसे आसानी से एक फ्रिज में रखा जा सकता है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह इसे 0 से नीचे तापमान में रखना जरूरी नहीं है। इस वैक्सीन की डिमांड इसीलिए है क्योंकि इसे कम आय वाले देश भी अफोर्ड कर सकते हैं और कोई ज्यादा संसाधन लगाए बिना और ज्यादा पैसा खर्च किए बिना इसे आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑक्सफर्ड की वैक्सीन सस्ती है तो वो दूसरी वैक्सीन के मुकाबले अच्छा काम नहीं करेगी। ऑक्सफर्ड वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी 70% है, यानी वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। इसके मुकाबले फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94% तक प्रभावी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज्यादा प्रभावी है तो उसे कारगर माना जा सकता है। ऑक्सफर्ड वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के जब नतीजे आए थे तो यह बताया गया था कि एक बड़े ग्रुप में हुए ट्रायल में जब ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के 2 डोज 1 महीने के अंतराल में दिए गए तो वैक्सीन 62% तक प्रभावी साबित हुई।
एक छोटे ग्रुप को जब वैक्सीन की एक डोज और फिर एक महीने में आधी डोज दी गई तो ये 90% तक प्रभावी साबित हुई। हालांकि अब तक इसका कारण नहीं पता चला है कि कम डोज देने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी क्यों है। ब्रिटेन में अब ये बताया जा रहा है कि अगर इस वैक्सीन की दो डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाए, यानी 3 महीने में दूसरी डोज दी जाए, तो ये वैक्सीन 80% तक प्रभावी है। वहां वैक्सीन के दो डोज वाले इलाज को अप्रूवल मिला है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को बनाने का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, इसीलिए भारत को भी ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफर्ड की वैक्सीन पर अलग ट्रायल कर रहा था और उसने कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी सरकार से मांगी है। भारत के वैक्सीनेशन प्लान में इस वैक्सीन का कितना अहम रोल है ये जानते हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को जैसे ही ब्रिटेन में मंजूरी मिली, भारत में भी वैक्सीन से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी का मंथन शुरू हो गया, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और उसने भारत में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के पास दिसंबर की शुरुआत में 3 कंपनियों ने अप्लाई किया था। इन 3 कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर का नाम है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। फाइजर ने अब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया है और जिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है वो ब्रिटेन में अप्रूव हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भारत में कोविशील्ड के नाम से बना रहा है, यानी ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद अब ये माना जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन को ही मंजूरी मिलेगी। इस वक्त हम लोग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हैं और मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के। ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। तो अभी ये लास्ट फाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं और ये जब गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी कुछ दिनों में हम दिसंबर में कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी में लॉन्च करने। भारत में जो वैक्सीन बटने वाली है उसमें से कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं? तो अभी यहाँ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पैंडेमिक लेवल फैसिलिटी हम बांध रहे हैं जो अब एक साल में बनने वाली है। तब तक जो एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज है वो हम यूज करके 1 बिलियन डोज बनाने वाले हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी तब ज्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज। ये 50% 100% का क्या लॉजिक है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली। जो पॉइंट इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और गैप रखें, 2-3 महीने के बाद आप जो सेकेंड डोज लेंगे तो उसमें वो ग्रुप में ये 90% एफिकेसी का रिजल्ट आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी वैक्सीन भी 90% एफिकेसी। आप बता रहे हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सफाई है, मेरे को चिंता साइड इफेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दी, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? नहीं, अभी इसीलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है और
ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें, और जो भी साइड इफेक्ट छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। यही वैक्सीन भारत के उस बड़े प्लान का हिस्सा भी है जिसमें जनवरी से ही टीके लगने शुरू हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां तो पहले से ही हो चुकी है। 4 राज्यों के 7 जिलों में 2 दिन का ट्रायल हो चुका है। ये जांचा परखा गया है कि वैक्सीन पहुंचाने वाला सिस्टम कितना फिट है। सरकार का टारगेट है कि शुरुआती दौर में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार है जिन्हें सबसे पहले टीका लगना है। इनमें कोरोना से लड़ने वाले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के 37 करोड़ लोगों और बाकी दूसरे बीमार लोगों को शामिल किया गया है। इतनी आबादी के लिए वैक्सीन की डोज को पहले से सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो दुनिया का वैक्सीन सुपर पावर है। 70% वैक्सीन भारत में ही बनती है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर में से एक है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के 4 से 5 करोड़ डोज अब तक बना चुका है और वैक्सीन की ये डोज मुख्य तौर पर भारत में ही सप्लाई होगी। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि अभी वो हर महीने कोविशील्ड की 5 से 6 करोड़ डोज बना सकती है और क्षमता बढ़ाकर वो मार्च तक हर महीने 10 करोड़ डोज बना सकती है। We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. शुरुआती 6 महीने तक वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज रह सकती है, लेकिन इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट को उम्मीद है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि तब तक कोरोना की बाकी वैक्सीन भी आ जाएंगी, उन्हें तब तक अप्रूवल मिल सकता है। इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर भारत की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC की आज मीटिंग थी। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कंपनियों से जो डेटा और जानकारी मांगी गई थी उसका एक्सपर्ट कमेटी ने अध्ययन किया। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन शामिल है। फाइजर ने कमेटी से थोड़ा और समय मांगा है। अब कमेटी 1 जनवरी को फिर मीटिंग करेगी, लेकिन अब जब ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी की मीटिंग में भारत में भी वैक्सीन पर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब सभी को इस बात का इंतजार है कि भारत में वैक्सीनेशन कितनी जल्दी शुरू होगा। दुनिया के बाकी देश तो आगे निकल चुके हैं। अमेरिका में औसतन हर दिन 1 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं। वहां पर 23 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। चीन में 10 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। ब्रिटेन में 6 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। इसराइल में करीब 5 लाख, रूस में करीब 4.5 लाख, कनाडा में 58,000 से ज्यादा और जर्मनी में करीब 42,000 लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। इसीलिए भारत भी अब कोई देर नहीं करना चाहेगा क्योंकि तैयारियां तो पूरी। वैक्सीनेशन की चिंता सबको इसीलिए भी है क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में कल ही इसके पहले 6 मामले मिले थे। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ और नोएडा में 2 केस मिले हैं। ये लोग कुछ दिन पहले ब्रिटेन से लौटे थे। पश्चिम बंगाल में भी पहला केस मिला, जहां ब्रिटेन से कोलकाता आया एक व्यक्ति कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिला। कर्नाटक में ऐसे 7 लोग संक्रमित मिले हैं। नए स्ट्रेन के कल तक करीब 20 मामले आ चुके थे। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि ये मामले बढ़ रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि नवंबर से दिसंबर के बीच ब्रिटेन से 30,000 से ज्यादा लोग भारत आए हैं। 2020 जा रहा है लेकिन अभी कोरोना नहीं जा रहा, इसीलिए नए साल का स्वागत करने के लिए लोग भले ही बेसब्र हों लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम छोड़े नहीं जा सकते। लिहाजा सतर्कता और सख्ती बरतनी ही होगी। इस बार न्यू ईयर का जश्न कोरोना प्रोटेक्शन वाला होगा। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता से खुल सकेंगे और स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर भी अल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि संदिग्ध लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। दिल्ली के कोनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी।
पुलिस ने ज्यादा भीड़ लगने वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का फैसला किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाली पुलिस की अलग अलग टीम्स होंगी। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी बंद होगी, हालांकि स्टेशन से एंट्री की इजाजत होगी। मेट्रो के कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो वहां मेट्रो सर्विस रोकी जा सकती है। मुंबई में धारा 144 ही लागू कर दी गई है, यानी चार से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकेंगे। मुंबई में रेस्टोरेंट, होटल, पब, यहां तक कि घरों और सोसाइटीज की छतों पर पार्टियों की मंजूरी नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस संदिग्धों का ब्लड टेस्ट कराएगी। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उसके साथ गाड़ी में चल रहे लोगों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। अहमदाबाद में 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। पर्यटकों के पसंदीदा शहर शिमला में रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है। पूरे शिमला शहर को 7 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर में भीड़ इकट्ठा होने पर रोक है। रात 12 बजे के जश्न पर रोक लगा दी गई है। होटल, क्लब, कल्याण मंडपों में भीड़ जमा होने की मंजूरी नहीं होगी। अब हम अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के लिए वर्ष 2020 की लास्ट वार्निंग की बात करेंगे, जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी की। चीन और पाकिस्तान को ये वार्निंग देने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इन दोनों ने ही एलएसी से लेकर एलओसी तक पूरे साल भारत के खिलाफ अपना दुष्चरित्र का जमकर प्रचार प्रसार किया। ऐसे में जब ये साल खत्म होने वाला है तब चीन और पाकिस्तान को बारी बारी से उनके सालाना पाप गिनवाना तो बनता है। सबसे पहले बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की करते हैं, जिन्हें जहन्नुम पहुंचाने के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को इस साल भारतीय सेना ने तोड़ दिया। इस साल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने दोहरा शतक लगाते हुए 224 आतंकियों को इस दुनिया से आउट कर दिया। भारतीय सेना का ये स्कोर पिछले स्कोर के मुकाबले करीब 1.5 गुना है। साल 2019 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 153 आतंकियों का सफाया किया था, जबकि 2018 में 215, 2017 में 213, 2016 में 141 आतंकियों को भारतीय सेना ने 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया था। आज भारतीय सेना ने श्रीनगर में 3 आतंकियों को ढेर किया। ये इस साल का आखिरी एनकाउंटर भी हो सकता है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साल की आखिरी चेतावनी भी दी। सुनते हैं। हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नज़र तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी। ये देश के दुश्मनों को साल 2020 की आखिरी वार्निंग है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की आखिरी किश्त। भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बरिमपोरा इलाके में 3 आतंकियों को ढेर करके ईयर एंड किया और साल के जाते जाते अपने स्कोर में इजाफा कर लिया। श्रीनगर शहर के इस इलाके में जिसको HMT कहा जाता है, कल रात से ही लगातार एक मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जो है सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान जो है वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वैसे तो पिछले 4 सालों से भारतीय सेना कश्मीर में शतक ही लगा रही है, लेकिन इस बार उसने 224 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया है, जिसमें आतंकी संगठनों के बड़े बड़े 30 मारखां जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी रियाज नाइकू इस साल मारा गया। जैश मोहम्मद का कमांडर कारी यासीर भी इसी साल मारा गया।
लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर हैदर भी इस साल जहन्नुम पहुंचाया गया। गजवा उल हिंद के कमांडर बुरहान कोका की एडवांस बुकिंग भी इसी साल जहन्नुम में करवा दी गई है। 20 जिले, 100 से ज्यादा ऑपरेशन, 224 आतंकियों की मौत। साल 2020 को भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के मोस्ट वांटेड आतंकियों को धरती के स्वर्ग से सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया। इस पर मौजूदा सीरियस जनरल बिपिन रावत की एक पुरानी बात याद आती है जो आज भी लागू है। देखिए, हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। कश्मीर में आतंकियों की मौत और LOC पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी, इन दोनों के बीच गहरा नाता है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को ढेर करने का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है तो पाकिस्तानी सेना ने LOC पर साल 2020 में 17 साल में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। साल 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से साल 2005 तक पाकिस्तान ने एक बार भी सीज फायर नहीं तोड़ा। साल 2006 में पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। साल 2007 में 21 बार, फिर 2019 के बाद तो पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने का आदि ही हो गया। 2019 का यह आंकड़ा 3168 था, लेकिन 2020 में पाकिस्तानी सेना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4700 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया, यानी हर महीने 400 से ज्यादा बार और हर दिन 14 बार। ये अपने आतंकियों की मौत पर पाकिस्तानी सेना की छटपटाहट का ही नतीजा है। जब भी जरूरत महसूस की, पाकिस्तानी सेना को धमाकेदार तरीके से जवाब दिया और करारा जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान का यहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का यहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत। कुल मिलाकर साल 2020 में भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों से जरा भी बाज नहीं आया, फिर चाहे आतंकी घुसपैठ हो या LOC पर सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन भारतीय सेना भी ठान कर बैठी है, जब तक पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं लगा देते तब तक आतंकियों को ठिकाने लगाते रहेंगे। साल दर साल ऐसे ही बड़े आराम से। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की तरफ से वर्ष 2020 की इस लास्ट वार्निंग का पाकिस्तान पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वो तो इन दिनों चीन की शह पर उछल रहा है। वो चीन जो पूरे साल लद्दाख में LAC पर भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए चालें चलता रहा और बार बार मुंह की खाता रहा, लेकिन चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। आज राजनाथ सिंह ने भारत की तरफ से चीन को भी वार्निंग ऑफ द ईयर दे दी है। साल 2020 LAC पर चीनी सेना की चालाकियों का साल रहा, जिसका भारत ने हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि यह भारत के स्वाभिमान का मसला है जिसको लेकर भारत न कभी सॉफ्ट पड़ा था न कभी सॉफ्ट पड़ेगा। सॉफ्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर हाथ बांध कर बैठे रहे, ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। भारत चीन सीमा के बीच LAC पर इतना तनाव पहले कभी नहीं रहा जितना इस साल रहा।
अप्रैल में चीन की सेना भारत की जमीन पर भूमाफिया बनकर बैठ गई। वॉर प्रैक्टिस के प्रोपेगेंडा वीडियो बना बना कर भारत पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपने मजबूत इरादों से चीन को ठेंगा दिखा दिया। जून में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। सितंबर में 45 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब LAC पर गोलियां चली। पहली बार सर्दियों में इस वक्त भी LAC पर दोनों तरफ 50,000 सैनिक तैनात। चीन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका विस्तारवादी सपना भारत की जमीन पर तो कभी पूरा नहीं होगा। ये इस साल चीन को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया। मैं यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है, बाकी टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। 8 दौर की बातचीत के बाद भी चीन LAC पर अड़ा है। फिर चाहे LAC हो या LOC या भारत का कोई भी बॉर्डर, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को साल 2020 का फाइनल मैसेज वही है जो भारत पूरे साल देता रहा है। देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, यह हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम यह फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वह सच बोल रहा है। लद्दाख में LAC पर अप्रैल में शुरू हुआ तनाव अभी भी बना हुआ है और काफी संभावना है कि अगले साल भी बना रहेगा, क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत का ढोंग करता है, दूसरी तरफ LAC पर युद्ध की तैयारी। लेकिन भारत भी तैयार है चीन को समझाने के लिए, बात की टेबल पर भी और जरूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में भी। एनी सीरियस इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड फॉर चाइना एट द ग्लोबल फ्रंट। इफ चाइनीज एस्पिरेशंस आर ग्लोबल देन इट डज नॉट सूट देयर ग्रैंड प्लान्स एंड देयरफॉर व्हाट कुड बी द पॉसिबल चाइनीज ऑब्जेक्टिव फॉर देयर एक्शंस इन द नॉर्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यानी चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ से दोनों पड़ोसी देशों को 2020 का मैसेज ऑफ द ईयर यही था और यही है कि सुधर जाओ, वरना भारत को सुधारना भी आता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, उस संयम का भी, उसकी जितने भी तारीफ की जाए वो कम। आज तक ब्यूरो हर से लेकर कृषि तक हर जगह बदलाव की बौछार कर दी है। इस दौर में लोगों को कृषि की ताकत का एहसास हुआ है तो कामकाज से लेकर रहन सहन तक कई आदतों में बदलाव की वजह भी 2020 बना है। आइए देखते हैं उन बदलावों की लिस्ट जो 2020 में लोगों के जीवन में आकर हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन गई। कोरोना महामारी ने 2020 को दुनिया के इतिहास में बेहद बुरे समय के तौर पर मशहूर कर दिया है। लोगों की सेहत और जान से खिलवाड़ करने के साथ ही इस साल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह हिला दिया। बाकी देशों की तरह भारत का भी हाल आर्थिक मोर्चे पर खराब ही रहा, लेकिन इन बुरे अनुभवों के बीच कई ऐसे बदलाव भी हुए जिनका बेहतर असर आने वाले समय में दिखाई देगा। इस महामारी में जब हर सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी, तब अकेले कृषि ने विकास करके देश के सामने अपनी ताकत का लोहा एक बार फिर से मनवा दिया। कुल मिला के 2020 किसानों के लिए या कृषि के लिए ठीक ही रहा, क्योंकि जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट से त्रस्त था और GDP नीचे जा रही थी, तो भी कृषि क्षेत्र में GDP की ग्रोथ दर्ज की गई और कृषि में जो आमदनी ठीक रही। दरअसल COVID-19 महामारी से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत सबकी समझ में आई है।
इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदर्शन भी दूसरों से बेहतर रहा है। अप्रैल सितंबर तिमाही में कृषि की विकास दर 3.4% की दर से बढ़ी है। पहली तिमाही में ये इकलौता सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई। 2020-21 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 16% तक पहुंचने का अनुमान है। 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 14.6% रही थी। यानी महामारी कृषि और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को एक बड़े मौके के तौर पर सामने लेकर आई है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतर बीज, बेहतर खाद, बेहतर स्टोरेज की सुविधाएं, जो कैश क्रॉप्स हैं उनमें जो रिमोट का किसान है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है कैश क्रॉप्स, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधाएं ना होना या स्टोरेज की बेहतर सुविधाएं ना होना, उसके लिए उनको जल्दी से जल्दी अपनी फसल को निपटान करना पड़ता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सरकार से कि बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारी इकोनॉमी का आधार है। तो कृषि में अगर तरक्की होगी, किसानों की अगर तरक्की होगी, तो पूरे देश की तरक्की होगी। इसके अलावा भी कई और मोर्चों पर 2020 लोगों के जीवन में बड़े बदलाव करने में कामयाब रहा है। ग्राहकों के खर्च करने की आदतें बदल गईं। कोरोना से ग्राहकों के खरीदारी के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ग्राहकों ने खुद के वाहन खरीदे, जिससे ऑटो सेक्टर को काफी फायदा हुआ। ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज में जोरदार मांग देखी गई। यूपीआई पेमेंट्स में भी मई 2020 से लगातार बढ़ोतरी जारी है। ऑनलाइन शिक्षा, कंसल्टेंसी और स्वास्थ्य सेवाओं की डिमांड भी इस दौरान बढ़ी है। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स कोरोना में सबसे ज्यादा हिट आइटम रहे हैं। इस बात की भरपूर संभावना है कि महामारी के दौर के बाद भी ग्राहकों की आदतें बरकरार रहेंगी। महामारी ने सिखाया बचत करना। कोविड-19 महामारी ने हाउसहोल्ड सेविंग को भी काफी बढ़ावा दिया है। इसके चलते इस साल बैंकों में जमा की गई रकम में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक अप्रैल जून में हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग जीडीपी के 21.4% के बराबर हो गई। जनवरी मार्च में ये 10% थी। सबसे ज्यादा इसमें रुझान म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की तरफ दिखाई दिया। इसके अलावा भी हाइजीन पर खर्च करने और साफ सफाई के प्रति भी लोगों को कोरोना ने जागरूक किया है। किसी भी आर्थिक आपदा के लिए खुद को तैयार रखने और क्षमता के मुताबिक ही जोखिम लेने का फैसला लोगों ने करना सीखा है। उम्मीद है कि इन बदलावों से लोग खुद का जीवन बेहतर बनाने के लिए ही अर्थव्यवस्था में सुधार करने में भी योगदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। प्रॉपर्टी मार्केट के लिए 2020 हाल के बरसों का सबसे बुरा साल साबित हुआ है। लॉकडाउन में ठप हुई बिक्री की भरपाई तमाम जतन के बावजूद यह सेक्टर नहीं कर सका। 2021 में एंट्री के साथ रियल एस्टेट को अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा। लोगों की पसंद और जरूरतों में हुए बदलाव को समझने वाले डेवलपर्स ही यहां पर टिकने में कामयाब हो पाएंगे। इकोनॉमी के ज्यादातर सेक्टर्स की तरह 2020 रियल एस्टेट के लिए भी मुश्किलों भरा साल साबित हुआ। इसने देश के रियल एस्टेट की बैकबोन कहे जाने वाले बड़े शहरों के प्रॉपर्टी मार्केट को जबरदस्त डेंट पहुंचाया है। इन बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री 2019 के मुकाबले घटकर आधी रह गई है, लेकिन छोटे शहरों ने इस दौरान कमाल का प्रदर्शन किया है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने लोगों को अपने घर लौटने का मौका दिया और इनमें से काफी लोगों ने वहां की प्रॉपर्टी में निवेश किया है। इससे 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा होम लोन लिए गए हैं। डेवलपर्स भी अब 2020 के बुरे साए से बाहर निकलकर 2021 में जोश के साथ एंट्री करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। एक तो स्पेशल पैकेजेस गवर्नमेंट ने दिए हैं सारे जितने भी लोग हैं, प्लस होम लोन की गिरावट एक बहुत बड़ा बेनिफिट लाया है। 2021 हमने को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड थिंग्स विल इंप्रूव नेक्स्ट लेवल। जनवरी और सितंबर के बीच में सेल्स 54% डाउन था, अगर आप जनवरी टू सितंबर 2019 से कंपेयर करें। अक्टूबर ऑनवर्ड से हमने देखा कि सेल्स में फिर से बढ़त शुरू हुई
इसके दो कारण थे, एक तो जो पेंटअप डिमांड था उस वजह से, और दूसरा फेस्टिव सीजन के कारण। हमने ये देखा कि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में अक्टूबर और नवंबर में जो सेल्स रहा वो 2019 से भी ज़्यादा था, और इसका मेन कारण ये था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में जो कट्स किए थे। कोरोना काल ने लोगों को मकान मालिक बनने और वो भी बड़े साइज के घरों में रहने का महत्व समझाया है। इसका असर ये हुआ कि अब ज्यादातर लोग किराएदार का टैग हटाकर 2021 में मकान मालिक बनने के लिए तैयार हैं। कीमतों में कमी, सस्ते होम लोन रेट के असर से एनसीआर में रहने वाले 73% किराएदार 2021 में गृह प्रवेश की चाहत रखते हैं, जबकि देश भर में ये आंकड़ा 82% है। किराएदारों के साथ ही बड़े शहरों के तंग इलाकों में छोटे मकानों में रहने वाले मकान मालिकों पर भी डेवलपर्स की नजर है। उन्हें उम्मीद है कि इन घरों को बेचकर ग्राहक खुले इलाकों में बड़े साइज के घर लेने की योजना को 2021 में जरूर साकार करेंगे। इन सब के असर से भी 2021 में प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी आने की उम्मीद ज्यादातर डेवलपर्स को है। 2021 वर्ष रियल एस्टेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसके अंदर हम फिर से वही डिमांड, इवन उससे ज्यादा अच्छी डिमांड को देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल सेक्टर के अंदर ये वाली जो डिमांड है ये और भी ज्यादा आएगी। सरकार की तरफ से हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही इसी सेक्टर को सपोर्ट करते रहें। रियल एस्टेट के लिए भी ये साल कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो स्कीम्स दी हैं रियल एस्टेट के लिए और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, उससे बहुत सारे निवेशक नए साल में नई उम्मीदों के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि 2021 सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। हालांकि घर खरीदने की चाहत हकीकत में तभी तब्दील होगी जब लोगों को उनके बजट के हिसाब से घर मिलेंगे या फिर उनकी नौकरी आमदनी में कमी की आशंका नहीं होगी। साथ ही लोग केवल रेडी टू मूव इन घरों को ही तवज्जो दे रहे हैं। NoBroker.com की रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोग तैयार घरों को ही खरीदना चाहते हैं। 21% लोग रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जबकि महज 12% लोग ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली NCR में 33% लोग दोबारा घर खरीदना चाहते हैं। यानी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में डेवलपर्स को 2021 में भी पसीने छूट सकते हैं, साथ ही उन्हें घरों को बेचने के लिए अपने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।